गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, ओपन योर फंक्शन इंग्लिश बुक एंड ओपन एट पेज नंबर 33, यूनिट 4, द फ्लावर्स। ठीक, चलिए अब ये द फ्लावर्स वाली स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है द फ्लावर्स वाली स्टोरी? फ्लावर्स मीन्स तो आप जानते ही हो ना, फ्लावर्स मीन्स क्या होता है? हाँ, फ्लावर्स मीन्स फूल। ठीक, चलो देखो कह रहा है, इट वॉज अ स्प्रिंग टाइम एंड मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। बता रहा है कि एक स्प्रिंग नाइट थी, स्प्रिंग टाइम था, मतलब बसंत का समय चल रहा था। बहुत सारे बसंत में बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे फूल, बड़े बड़े फूल, हर तरह के फूल, बहुत सारे खूबसूरत फूल जो है कि खिले हुए थे, ब्लूम्ड थे। ठीक है, अपोजिट साइड, माउंटेन स्लोप के अपोजिट साइड बहुत सारे फूल ब्लूम्ड थे। कह रहे, द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स अट्रैक्टेड द ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज एंड द बीज एंड द बिजी बीज। कह रहा है कि जो इतने सुंदर फूल थे, इतने रंग बिरंगे और एकदम कलर्ड और बहुत, मतलब जिसको ब्राइट यानी कहते हैं ना कि बहुत क्या कहते हैं, चमकीला कलर, चटक कलर इसको बोलते हैं, लाल और रेड, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, येलो, इस तरह के बहुत, पिंक, दोनों, बहुत सारे फ्लावर्स जो है उगे हुए थे, जिनको देख के बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज और बीज मतलब मधुमक्खियाँ, वो सब उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसके पास जाने के लिए परेशान थी, या कह लो कि उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। बिसाइड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स देयर वॉज एन ओल्ड ट्री ऑन द स्लोप, द ट्री वॉज कॉल्ड अंकल ट्री। अच्छा, उन सब छोटी छोटी फूल और फ्लावर्स के बिसाइड यानी कि बगल में कह लो या पीछे कह लो, जैसे कि आपको बुक में भी दिख रहा है, देखो बिसाइड बगल में एक बहुत पुराना ट्री था, ओल्ड ट्री, जिसका नाम क्या रखा गया था? अंकल ट्री, ओल्ड था इसलिए उसका नाम अंकल ट्री रखा गया था। दिस स्प्रिंग सीजन द फ्लावर सीम्ड टू लुक एक्सपेक्टेंशनली ब्यूटिफुल। इस मौसम में, इस आज के इस सीजन में जो फूल थे, स्प्रिंग सीजन में फूल बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक दिन बता रहा है, ए कॉलोनी ऑफ हनी बी केम टू द माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी। आपको पता है मधुमक्खियाँ कहाँ से शहद लेती हैं? मधुमक्खियाँ शहद लेती हैं फ्लावर्स से, फूलों का रस चूस के उसको शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ। तो एक दिन जो है कि कॉलोनी ऑफ हनी बी, मतलब हनी बी का एक ग्रुप, ढेर सारी मधुमक्खियाँ आई और क्या करने लगी, माउंटेन स्लोप से आई थी हनी गैदर करने के लिए। ठीक, उन्होंने क्या किया, देखो लिखा क्या है, हेलो, ग्रीटेड द फ्लावर वार्मली एंड सेड थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। ठीक है, जैसे ही वो आई, फ्लावर्स ने उनको हेलो किया और बहुत प्यार से उनको ग्रीट किया। जैसे आप कोई भी आपके यहाँ आता है ना, तो आप उसको प्यार से उसका वेलकम करिए, ग्रीट करिए उसको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब ग्रीट होता है। तो ग्रीट किया वार्मली, मतलब बहुत गर्म जोशी से, और बोला फ्लावर्स ने, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, हमको हमारे यहाँ आने के लिए, हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। दिस सीजन द फ्लावर्स हैव ग्रोन मोर रेडिएंट, दिस इज़ अ गुड हार्वेस्ट, सेड हनी बी हैप्पीली। हनी बी ने कहा कि हाँ भाई, इस सीज़न में तो बहुत अच्छे से फूल उगे हैं और बड़ा ही बढ़िया, मतलब ग्लो आ रहा है बहुत अच्छे से, मतलब रस लग रहा है, खूब है फूलों में, और बड़ा अच्छा फूल हुए हैं, बहुत अच्छे फूल हुए हैं। हनी बी ने बड़ी खुशी खुशी कहा। अ स्मॉल रेड फ्लावर आस्क्ड, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट। एक छोटे लाल फूल ने पूछा कि ये बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या पर्पज़ क्या है आपके विजिट का? अब देखो क्या हुआ, वी हैव केम हेयर टू टेक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड मेक हनी विथ इट, रिप्लाइड हनी बी। वाई डू यू आस्क? अच्छा, हनी बी ने बताया कि मैं तो आई हूँ ताकि नेक्टर यानी कि आपका रस चूस लूँ, फूलों का रस चूसूँ और उसके बाद उससे हनी बनाऊँ। ठीक है, हनी बी ने रिप्लाई किया और पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या रीज़न क्या है आपके पूछने का? देखो फ्लावर्स ने क्या कहा, द सनफ्लावर लाव्ड एंड एक्सप्लेन्ड टू द हनी बी। सनफ्लावर हंसा और उसने हनी बी से कहा, प्लीज़
प्लीज डोंट माइंड लिटिल रेड वन, दीज रेड फ्लावर्स आर न्यू एंड यंग, दे हैव जस्ट ब्लूम दिस सीजन। भाई जो पुराने फूल थे जो हर साल उगते हैं, जो कई साल से ब्लूम कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो नए नए फूल अभी अभी इसी सीजन में खिले थे उनको नहीं पता था। तो रेड फ्लावर, देखो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है बेटा, मतलब एक फूलों को आदमियों से कंपेयर किया गया है, मतलब आदमी बना के उनसे बात की जा रही है। सनफ्लावर ने बोला कि अरे भाई, हंसा और बोला कि देखो हनी भी, परेशान मत हो, इनको नहीं पता है ना, ये अभी एकदम यंग हैं, एकदम नए हैं, अभी अभी खिले हैं इसी सीज़न में, इसलिए इनको पता नहीं है। हमें तो पता है, हर साल ऐसा ही होता है, हर बार तुम लोग आती हो ऐसे ही करती हो। द हनी बी एक्सप्लेन टू द रेड फ्लावर, वी हनी बी गैदर नेक्टर फ्रॉम यू एंड स्प्रेड द पॉलन फॉर यू एट द सेम टाइम। कह रहे हैं कि हम जो हनी बी हैं ना, वो क्या करते हैं, आपसे नेक्टर लेते हैं, आपसे रस आपका चूसते हैं, और प्लस आपका पॉलन, मतलब आप जब बड़े होगे थोड़ा सा और साइंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पॉलन्स क्या होते हैं, वो आपसे लेते हैं, एक ही समय में स्प्रेड करते हैं आपके पॉलन्स को। ऑन इवनिंग अ ग्रुप ऑफ यंग मिस्चीवियस बॉय केम टू द माउंटेन स्लोप। कह रहा उसी शाम उसी एक मिस्चीवियस, मतलब बहुत बदमाश बच्चा, मतलब कुछ बदमाश बच्चे, मिस्चीवियस बॉयज केम टू द माउंटेन स्लोप, कुछ बदमाश बच्चे आए उस माउंटेन स्लोप पे। दे यूज्ड अ नेट टू कैच द बटरफ्लाइज एंड दे प्लक द फ्लावर्स टू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेट लिया था, जिससे कि नेट मतलब जाल, देखो आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है ये जाल, उस जाल से वो क्या कर रहे थे, बटरफ्लाइज पकड़ रहे थे और फ्लावर्स भी तोड़ रहे थे। दे रियूंड द ब्यूटिफुल ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट। उन्होंने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़ दिए, बिखेर दिए, कुचल दिए, और बटरफ्लाई को पकड़ा, मारा, मतलब बहुत सब वहाँ का सीज़न बर्बाद कर दिया, वहाँ का माहौल ख़राब किया। When the boys left the slope, they took the flowers with them and also stepped on the beautiful flowers that were left on the slope. जब वहाँ से जाने लगे तो वही बता रहा है कि उन्होंने कुछ फ्लावर्स तो अपने साथ ले गए, कुछ जो गिर गए उसको कुचल दिया, उसके ऊपर पैर रख के चले गए। ओल्ड अंकल ट्री फेल्ट वेरी सैड। जो ओल्ड अंकल ट्री थे उनको बहुत बुरा लगा देख के कि भाई ये नेचर की इतनी खूबसूरत चीज़ें, फूल, उन पे कोई कैसे कुचल रहा है, उनको कैसे उनके ऊपर पैर रख के जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही सॉ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स प्लग्ड एंड थ्रोन ऑल ओवर द ग्राउंड। वो देख रहे थे कि अरे कितने प्यारे प्यारे फूल तोड़ करके पूरे ज़मीन पर फेंक दिए गए हैं बेदर्दी से। द boys had also stepped on the short shrubs and destroyed the flower beds. उन्होंने छोटे छोटे पौधों पे भी मतलब वो चढ़ चल दिए हैं, कुचल दिया है उनको भी और ख़राब कर दिया है उनको, अब वो नहीं उग पाएंगे, उनके जो फ्लावर बेड्स थे उनको भी ख़राब कर दिया है। इट्स टेरिबल, अंकल ट्री साइटेड इन डिस्पेयर। उन्होंने अंकल ट्री बहुत मायूस होके और गुस्से में आके और परेशान होके बोले कि जैसे कि उम्मीद टूट गई हो, ठीक है, डिस्पेयर मीन्स उम्मीद टूट जाना, ऐसे होके वो बोले कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत किया। नेक्स्ट मॉर्निंग द हनी बीज केम अगेन बट दे फाउंड दैट द फ्लावर्स वर नॉट देयर एनी मोर। अगली सुबह जब हनी बी आई फिर से नेक्टर लेने के लिए, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो फूल है ही नहीं, कहाँ गए सब फूल। अब देखो क्या होता है, दिस इज बैड, विदाउट द फ्लावर्स वी कांट मेक हनी, सेड द हनी बी सैडली। अब हनी भी बोली कि यार अब तो बहुत गलत हुआ, हम तो फ्लावर के बिना हनी भी बना ही नहीं पाएंगे, अब क्या करें, बहुत परेशान हुई सब। ओल्ड अंकल ट्री टोल्ड हनी भी, ओल्ड अंकल ट्री ने हनी भी से बताया कि द फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉयड बाई सम मिस्चीवियस बॉयज, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट डू एनी थिंग टू स्टॉप देम। अंकल ने कहा कि बेटा मतलब मधुमक्खियों, देखो ऐसा ऐसा हुआ, सारे इंसिडेंट बताया कि ऐसे बच्चे आए, उन्होंने क्या क्या किया, ये भी बोला कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं पेड़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ देयर आर नो फ्लावर्स देन देयर विल बी नो हनी, सेड द हनी बी ग्लूमली। भाई हनी बी एकदम मायूस होकर, उदास होकर के बोली कि भाई अगर फ्लावर्स नहीं रहेंगे तो हम लोग शहद नहीं बना पाएंगे, कैसे काम चलेगा। वी विल हैव टू गो टू अनदर प्लेस टू फाइंड हनी, सेड द हनी बी एज दे फ्लू अवे। यही बोल के
वो चली गई, अब हमें कहीं और फ्लावर खोजने होंगे जहाँ से हम शहद बना सकें। और ये कह के वो वहाँ से चली गई। ओल्ड अंकल ट्री कुड नॉट गेज एट द हनी बी फ्लाइंग अवे, ही फेल्ट वेरी सैड। अब जो बूढ़े अंकल थे, ये बूढ़े जो पेड़ थे, पेड़ अंकल, ट्री अंकल, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि हनी बी वहाँ से जा रही हैं। उनको बहुत परेशान, मतलब बहुत वो उदास हो गए। आई होप द फ्लावर विल ब्लूम अगेन नेक्स्ट स्प्रिंग दो अंकल ट्री, ठीक है, दो थॉट ओल्ड अंकल ट्री। भाई अंकल ट्री ने यही सोचा कि चलो अब तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब जो है कि नेक्स्ट स्प्रिंग फिर से इंतज़ार करते हैं अगली साल का, कि अगली साल फिर से फूल उगेंगे तो जो है कि मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज यहाँ आएंगी, फिर से यहाँ का माहौल अच्छा होगा। यही सोच के अंकल ट्री रह गया। तो बेटा देखो, इस ट्री इस लेसन से यही समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ें इन्वायरमेंट की, हमको इन्वायरमेंट है हमारा जो वातावरण है उसको जो है कि प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हर चीज़ की अपनी मीनिंग है। अगर आपको फूल की ज़रूरत है तो ज़रूर फूल तोड़िए, फूल को भगवान को चढ़ाना है, डेकोरेशन करना है, ठीक है, उससे सेंट बनाना है, अगर इस तरह का कोई आपको काम है, वर्क है, तो आप ज़रूर पेड़ को, फूल को आप प्लक करिए, फूल का आप जो है कि यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको उसका कोई काम नहीं है तो आप फूल तोड़ के उसको बिखेर के ज़मीन पे उस पर कुचल के उसको नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ के अंदर भी लाइफ होती है, फ्लावर्स के अंदर भी लाइफ होती है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई चले कुचले आपको तो कितना बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही फूल के अंदर भी जान होती है, पौधों के अंदर भी जान होती है, तो उन लोग के भी ऊपर हम लोग को कुचलना नहीं चाहिए, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, नेचर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये तो छोटी सी कहानी दी हुई थी फ्लावर बेड्स के मीडियम से। इसको बड़े स्तर से भी सोच सकते हैं कि हमें ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए, कि किसी चीज़ों को कुचलना अपने केवल खुशी के लिए, अपने थोड़े से मज़े के लिए, ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाएं, ताकि हनी बीज आपके यहाँ भी आए, ताकि क्या कहते हैं, आपके यहाँ भी बटरफ्लाइज आए, आप उनको देखो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू ऑल।